हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे शुगर यील्डिंग क्रॉप्स के बारे में। मेनली शुगर यील्डिंग क्रॉप्स के अंदर हम मेन के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, शुगर केन एंड शुगर बीट यानी चुकंदर के बारे में। इकोनॉमिक जो प्लांट बोटनी है उसके अंदर ये एक टॉपिक है, शुगर यील्डिंग प्लांट्स। इसके अलावा और भी बहुत सारे इकोनॉमिक बोटनी के अंदर प्रोडक्ट्स है, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स है जो अलग अलग प्लांट से हमें मिलते हैं। तो यहाँ पे शुगर यील्डिंग क्रॉप्स के अंदर शुगर केन एंड शुगर बीट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट है शुगर केन। अगर हम शुगर केन की बात करें तो शुगर केन फैमिली पोएसी से बिलोंग करता है एंड इसका जो साइंटिफिक या फिर बोटेनिकल नेम होता है ये होता है सैक्रम ऑफिसिनर। अब इसका नेक्स्ट आता है इसकी उत्पत्ति यानी ओरिजिन एंड इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पाया जाता है। इसके ओरिजिन की अगर हम बात करें तो ये ट्रॉपिकल रीजन के अंदर यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंदर ये ज़्यादा पाया जाता है और इसको कल्टीवेट यानी खेती इसकी दुनिया भर में जैसे कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, क्यूबा, ब्राज़ील आदि में इसकी की जाती है। और अगर हम यहाँ पे भारत की बात करें तो भारत के अंदर से खेती विभिन्न राज्यों जैसे कि यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि में की जाती है। इनमें से भी जो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश है, वो सबसे बड़ा भारत का गन्ना उत्पादक राज्य है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे उगाया जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन एंड ओरिजिन के बारे में हो गया। नेक्स्ट आता है इसके बोटैनिकल डिस्क्रिप्शन क्या होगा। तो ये जो प्लांट है एक लंबा लंबा होता है, सीधा होता है और बिना शाखाओं वाला पौधा होता है जो कि झुंड में उगता है। ये जैसे कि ये देखो, ये एक झुंड हो गया, इसका एक ये झुंड हो गया, इन झुंड को क्लंप बोला जाता है। क्लंप के अंदर ये उगता है। अब इसके अंदर इसका क्या क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, तो ये क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर ये गर्म और आर्द्र यानी कि जो हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन होगी उसके अंदर ये उगाया जाता है। तापमान लगभग यहाँ पे 26 डिग्री सेल्सियस तक लिया जाता है एंड वार्षिक वर्षा जो होती है इसको, एनुअल जो रेनफॉल है वो इसको 200 to 225 सेंटीमीटर तक की रिक्वायरमेंट होती है। इस प्लांट की इन्फ्लोरेसेंस की अगर हम बात करें फ्लावर्स की, तो इन्फ्लोरेसेंस के अंदर पेनिकल होता है यहाँ पे। ठीक है, ये ऊपर की तरफ ये जो नजर आ रहे हैं ये क्या है, इनफ्लोरेसेंस है। इनफ्लोरेसेंस में ये पेनिकल टाइप की इनफ्लोरेसेंस शो करता है, ऐसे करके ये एक स्ट्रोक सी होती है और इसके अराउंड यहाँ पे ऐसे पाए जाते हैं और दिखने में घना होता और चांदी जैसा रेशमी होता है। ठीक है, थोड़ा सा सिल्वर कलर का होता है। तने को स्टिल्ट रूट यहाँ पे क्या पाई जाती है, कुछ ऐसी रूट्स पाई जाती है, स्टिल्ट रूट्स इनको बोलते हैं। स्टिल्ट रूट्स क्या करती है, इनको सहारा देती है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है तने को। पौधों के अंदर प्रोपेगेशन यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यहाँ पे देखी जाती है। पत्तियां जो होती है इसकी लंबी और चपटी यानी फ्लैट होती है, रेखीय लांसुलेट से यानी कि लीनियर लेंसोलेट से लेके ऐसी टाइप से लेके ये कैसी हो सकती है, मोटी एक मिडरिब के साथ होती है, बीच में एक मोटी मिडरिब इनके अंदर पाई जाती है। गन्ने में प्रयुक्त होने वाला जो पौधा है वो सबसे ज्यादा क्या है, वो तना ही है जिससे शुगर निकलती है यहाँ से। तो ये इसका बोटैनिकल डिस्क्रिप्शन हो गया कि ये जो प्लांट है वो लंबा सीधा और बिना शाखाओं वाले होता है और ये झुंड के अंदर उगता है। गर्म और आर्द्र इसको क्लाइमेटिक कंडीशन की रिक्वायर्ड होती है, अबाउट 26 डिग्री सेल्सियस इसको टेम्परेचर चाहिए होता है एंड 200 to 225 सेंटीमीटर तक इसको बारिश चाहिए होती है, इसको रेनफॉल चाहिए होता है। इनफ्लोरेसेंस इसका पेनिकल जैसा होता है जो कि सिल्वर कलर का होता है और इसके अंदर स्टिल्ट रूट्स पाई जाती है, स्टिल्ट रूट्स इसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इसके अंदर पाई जाती है। इसके अलावा इसका जो तना है वो सबसे ज़्यादा यूज होता है यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं इसके यूजेस, क्योंकि इकोनॉमिक बॉटनी के अंदर हमें बेसिकली यूज जो होता है इसका क्या उपयोग है, क्या क्या काम आ रहे हैं ये क्रॉप्स, इसी के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस होता है। तो यूज़ के अंदर इसका जैसे कि भोजन के रूप में, जैसे मिठाई, जैम, जेली के रूप में, जेली में एक स्वीटनिंग एजेंट की तरह ये प्रयोग किया जाता है। चॉकलेट, आइसक्रीम और कन्फेक्शनरी के अंदर भी यूज़ किया जाता है। इसका उपयोग खाना पकाने के लिए में भी किया जाता है। इसके अलावा इसका कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं, जैसे एक तो इसके अंदर शुगर निकल गई, इसके कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी होते हैं जैसे कि बाय प्रोडक्ट्स के अंदर इसके अंदर गुड़ हो गया, इसके अलावा इससे रम भी बनती है और जो कमर्शियल एल्कोहल होता है, औद्योगिक शराब होती है, वो भी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है।
गन्ने से प्राप्त गुड़ का उपयोग पेय पदार्थों में स्वीटनिंग एजेंट की तरह किया जाता है, उनको मीठा करने के लिए, और मिठाई बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जैसे कि इसके अंदर कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं, तो इन बाई प्रोडक्ट्स में एक यहाँ पे पाया जाता है खोई, जिसको हम बोलते हैं, बेगस बोलते हैं इसको। ये गन्ने की जब पेराई की जाती है, इससे प्राप्त होने वाली जो सूखी, ठीक है, ये इसको जब इससे जो रस है वो निकाल लिया जाता है, जो सूखा गद्देदार रेशेदार सामग्री बचती है उसको खोई बोला जाता है। इसका उपयोग मिलों के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है, कार्डबोर्ड बनाने में, फाइबर बोर्ड बनाने में, इंसुलेशन बोर्ड बनाने में, कागज बनाने में, और पौधों के लिए मल्च। और मल्च क्या होता है? मल्च ये होता है इनके लिए, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि फर्टिलाइजर्स या फिर मेन्योर्स प्रिपेयर किए जाते हैं। इसके अलावा पोल्ट्री के लिए बिस्तर के निर्माण के लिए यूज किया जाता है। गन्ने की जो पत्तियां हैं उनका उपयोग डीजल जनरेटर को चलाने के लिए, डीजल के विकल्प में इसका प्रयोग किया जाता है। जो डीजल जनरेटर होंगे, ठीक है, डीजल पावर जनरेटर होंगे, उनके लिए एक तरह से डीजल के विकल्प में इनका प्रयोग किया जाता है, उनको चलाने के लिए। तो ये सब कुछ यूज है यहाँ पे गन्ने के। इसके बाद सेकेंड यहाँ पे आता है शुगर यील्डिंग क्रॉप के अंदर, शुगर बीट या फिर चुकंदर जो होती है, ये फैमिली चीनोपोडेसी से बिलोंग करती है। इसका नाम होता है बीटा वल्गैरिस, और इसका ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि यूएसए, यूएसएसआर, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड और इटली में इसका इसको उगाया जाता है, इसको कल्टीवेट किया जाता है। इसके बाद भारत में इसकी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों जैसे कि सब ट्रॉपिकल एरियाज में अर्ध वाणिज्यिक फसल यानी कि सेमी कमर्शियल क्रॉप के रूप में इसकी खेती की जाती है भारत के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसका बोटैनिकल डिस्ट्रीब्यूशन। बोटैनिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अगर देखें तो ये एक डाइकोटिलेडंस प्लांट होता है, द्विबीजपत्री प्लांट होता है, दो कोटिलेडंस इसके अंदर पाए जाते हैं। द्विवार्षिक ये होता है यानी कि बाइनियल होता है, और जिसकी जड़ें फूली यानी कि स्वेलन होती है, गोल या नुकीली यानी कि टेपरिंग एंड वाली होती है, ठीक है। इसकी जड़ें जो है, जड़ें जो होगी इसकी, ये कैसी होंगी, ऐसे टेपरिंग एंड वाली होती है, और ये फूली हुई होती है, ठीक है, ऐसे टेपरिंग एंड वाली होती है, एंड ये फूली हुई होती है। और वेदर इसको ठंडा मौसम इसको चाहिए होता है, तापमान इसका लगभग 31 to 35 डिग्री सेल्सियस तक इसको जरूरत पड़ती है। पत्तियां जो है इसकी गहरे लाल रंग या फिर पीले हरे पत्ते, ठीक है, इसके गहरे लाल या फिर पीले हरे पत्ते इसके अंदर पाए जाते हैं। लंबे पत्ते या फिर अंडाकार से आयताकार अंडाकार आकार के पत्ते इसके अंदर पाए जाते हैं, एंड इन पत्तों का जो ब्लेड है वो बड़ा पाया जाता है, साइज के अंदर ये पत्ते बड़े पाए जाते हैं। दूसरे वर्ष में फूल और बीज बनते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने अभी बात की थी, बाइनियल होता है, तो 2 साल के अंदर इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होगी, तो इसके अंदर जो सेकेंड ईयर इसका होगा, तो दूसरे वर्ष के अंदर इसके अंदर फूल एंड फिर फूल से यहाँ पे बीज बनते हैं। इनफ्लोरिसेंस इसके अंदर ढीली या फिर स्पाइक टाइप की इसके अंदर इनफ्लोरिसेंस पाई जाती है। नेक्स्ट इसके यूज आते हैं। यूज के अंदर इसके चुकंदर के कुछ बाई प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको टॉप्स या फिर पल्प कहा जाता है, जो कि कैटल के मूल्यवान चारे के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। चुकंदर का एक अन्य बाय प्रोडक्ट है जिसको गुड़ या फिर मोलेसिस कहा जाता है, और इसका उपयोग शराब के निर्माण में किया जाता है। चुकंदर गायों के दूध में उपज बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और चुकंदर का जो यहाँ पे पल्प है, गुदा है, उसके उपयोग डायपर और सैनिटरी नैपकिन के लिए किया जाता है, और इनके अंदर जो एब्जॉर्बेंट या फिर शोषक सामग्री होती है उसके रूप में इनका उपयोग किया जाता है। पशुओं के चारों में स्वीटनर के रूप में कार्य करता है। इसका उपयोग पेय पदार्थ और चीनी बनाने में भी किया जाता है, और इसका उपयोग जैव ईंधन फसल यानी बायो फ्यूल क्रॉप के विकल्प के रूप में भी किया जा सकता है। तो ये कुछ यूजेस हैं यहाँ पे बीट रूट से। तो यहाँ पे हमने शुगर यील्डिंग प्लांट्स के अंदर दो यहाँ पे जो है क्रॉप्स डिस्कस की है, एक यहाँ पे शुगर केन हो गया, सेकेंड यहाँ पे जो बीटा वल्गैरिस है वो हो गया है। तो इसके अंदर बेसिकली इकोनॉमिक बॉटनी के अंदर जो यूज होते हैं प्लांट के, ठीक है, यूज होते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम इकोनॉमिक बॉटनी के अंदर नेक्स्ट वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।